वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुका हूं मैं एक और गेम प्ले के साथ। और गाइस ये पूरा अच्छा गेम प्ले नहीं है, बस ये इसमें फनी सीन्स हुए थे तो मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूं। तो गाइस देखो, उतरते ही मेरे को यहां पे मिलती है एक शॉटगन और हमारे सामने एक ऑफलाइन बंदा मरा मिलता है हमें। तो मैं जल्दी से जाता हूं क्योंकि मेरे टीममेट के पास भी क्रॉसबो मिल चुकी थी, तो मैं जल्दी से इसको यहीं पे खड़े खड़े मारता हूं। तो गाइस इसका एक और बंदा यहीं पे था, तो मुझे सामने मिल जाती है M4 और उसके सामने पड़ी होती है टॉमी गन, और क्या ही चाहिए था। तो इतने राजू भैया को हमारे उसका टीममेट मारता है, पर हमारा टीममेट उसको बचा ही लेता है यहाँ पे। अब गाइस ये नोक हुआ था बंदा, तो इनके दो बंदे पता नहीं कहाँ उतरे होंगे, दोनों लड़ाई करके अलग अलग उतरे होंगे, कहेंगे हम वहाँ जाएंगे तो हम इधर जाएंगे। तो ये दो बंदे इधर आते हैं तो हम इनको ख़त्म करते हैं। अब वो इन पे हंस रहे होंगे बंदे दोनों, और जाओ यहाँ पे। तो इतने मुझे सामने दिखता है बोट दादा हमारा, तो जल्दी से मैं बोट को ख़त्म करता हूँ। तो अब गाइस यहाँ और बंदे तो थे नहीं, तो जल्दी से सारी जगह अब हमारी होगी, पूरा जोर्ज पुल जल्दी से लूटते हैं फिर निकलेंगे इधर से। तो जब गाइस हम 3-way हाउस में थे तो हमें यहाँ पे बंदे दिखते हैं और हमें सामने गाड़ी दिखती है, तो मैं जल्दी से मारता हूँ लेट के। थोड़ा बहुत डैमेज जाता है बंदों पर, उसके बाद तो सारा गाड़ी पर जाता था। तो गाड़ी इनकी फूटने भी वाली थी, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ सीधा रश कर दो, प्रॉफिट मिलेगा, अभी मार देंगे इनको। तो जल्दी से जाते हैं हम सीधा वहीं पर। तो अब गाइस देखो ना, भैया जी मेरे ऊपर ही एम लेके बैठे थे, वो तो मैं बच गया यहाँ पे, पूरा जिगल करता हुआ जाऊँगा बस यहाँ पे बच गए किसी भी तरह। इतने में गाइस भैया जी को लगा मैं पीछे से घूम के आऊँगा, पर मैं बैठ जाता हूँ इधर और वो मेरे टीममेट को मारने लगते हैं, तो मैं यहीं पे जल्दी से ख़त्म करता हूँ। और इनके दूसरे भैया जी को मैं यहाँ पे डैमेज देता हूँ, पर वो बच जाते हैं। तो गाइस मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ ओल्डेड हो गए क्या, तो वो बताता है नहीं हुआ, एक ही बंदा रहता है। तो गाइस देखो क्या ही उसने प्रोन किया, बस मेरा वो तो शुक्र है एम लग गया। अब जल्दी से मैं अपने टीममेट्स को बचाता हूँ, पर उसको बचाने गया तो एक टीममेट हमारा मर गया। अब गाइस देखो यहाँ पे हो रही थी दो टीमों की इकट्ठी फाइट, तो हम सीधा सोचते हैं भाई अब तो सीधा थर्ड पार्टी कर देंगे पूरे किल। और गाइस देखो पूरे स्मोक में हम घुसते चले गए। अब देखो गाइस क्या ही बंदा कहाँ ही बैठा था, वो तो मेरे को दिख गया, मैं जल्दी से इसे ख़त्म करता हूँ। अब ऊपर गाइस दो बंदे और बैठे थे, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ अभी स्मोक को रखा है, अभी घुसते हैं बाद में उन्हें पता चल जाएगा। तो सीधा गाइस मैं सोचता हूँ बालकनी में ना हो बस, तो मैं सीधा बालकनी में भाग ही जाता हूँ और देखते हैं तो बालकनी में हमें कोई मिलता नहीं। इतने में गाइस अब देखो मेरे को पता नहीं था यहाँ सामने बंदा बैठा होगा, मैं सोच रहा था सामने वाले घर कमरे के अंदर होगा, पर वहाँ नहीं मिलता। उसी टाइम सीढ़ियों में बंदा मिलता और एक बंदा पता नहीं क्या ही कर रहा था सीढ़ियों में बैठ के। तो जल्दी से इन्हें ख़त्म करते हैं, अब इन्हें लूट लाट के चलते हैं आगे की तरफ। अब गाइस देखना हमारी गाड़ी सस्ते क्रिश के रूप में आ जाएगी। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे बस सिंपल रोकूंगा ठोकने वाली तरीके से, और गाइस देखो गाड़ी का क्या ही हुआ, गोल गोल घूमती घूमती सीधी खड़ी हो गई। तो मैं जल्दी से इस घर के अंदर आता हूँ क्योंकि जोन में था। और गाइस ये देखो मेरे पे 100 RP वाले कपड़े हैं, बताओ गाइस कहाँ से मिले होंगे, अभी तो मेरी 100 RP हुई भी नहीं फिर भी मेरे को मिल गए। गाइस बोट हमारे 100 RP वाले कपड़े लेकर आ रहे हैं आजकल। तो गाइस इतने हमें सामने फाइट हो रही थी, तो मेरे को लग रहा था बंदे जोन में तो आएंगे ही, तो मैं उनकी पहले गाड़ी फोड़ देते हैं, हम सारे जोन में ही नहीं आने देंगे हम उनको। और इनकी गाड़ी फोड़ते हैं हम सीधा निकलते हैं जोन की तरफ। तो अब गाइस उनकी गाड़ी फोड़ी, तो अपने टीममेट्स को बोलता हूँ जल्दी आओ जोन में निकलेंगे सीधा। अब गाइस देखना क्या इस स्कैम होने वाला है उन बंदों के साथ, बस देखते जाओ गाइस। अब हैकर बोलेंगे वो हमें, हैकर तो गाइस सामने वाला घर ही एक जोन में था और हमें पता था बंदे भी हैं इधर। तो गाइस देखो क्या इस सीन बना, और दोनों बंदे गाइस अब देखना हमें आगे की तरफ देखते रह जाएंगे और हम इनको पीछे से आके दोनों को निपटा देंगे। तो जल्दी से एक बंदे को नॉक करते हैं और दूसरा बंदा आता है इसका, उसको भी खत्म करते हैं। तो गाइस मेरे टीममेट का रिएक्शन तो तुमने देख ही लिया। अब गाइस एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो गाइस इतने मेरे को सामने दो ही बंदे रह गए थे सिर्फ, तो मेरे को सामने पत्थर के पीछे भी एक बंदा दिखता है, तो अपनी मुंडी दिखाता है तो मैं दो हेड मारता हूँ। इतने में गाइस मेरे को नहीं पता था यहाँ पे एक और बंदा भी है। तो गाइस देखो क्या ही हेल्थ करी, और मेरा टीममेट यहाँ बीच में अट गया। तो मैं जल्दी से नीचे आता हूँ और अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ पहले, तो फिर देखते हैं इन बंदों को, क्या पता दोनों एक ही टीम के हैं या अलग अलग है, कुछ नहीं पता गाइस हमें। Still hanging in the balance, not
तो अब गाइज मैं सोच रहा था ये सिंगल बंदा है, तो मैं सोचता हूँ जाके सीधा रश कर देता हूँ। इतने में गाइज ये नोक होता है, मेरा टीममेट ने इसको नोक किया, तो मैं इसको पूरा फिनिश करता हूँ। अब पता लग चुका था दोनों सेम टीम के ही हैं, मैं जल्दी से इसको पूरा फिनिश कर दूंगा। तो गाइज सिर्फ एक ही बंदा रहता है, अब 3v1 करना था हमने, वो भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि भैया जी के पास हमारे M249 और MK दोनों थी, और मेरे को भैया जी की पोजीशन पता थी यहाँ पे है, तो मैं सोचता हूँ क्लोज इन कर देते हैं। तो भैया जी हमारे को MK से पेलता है, मेरे को लगा M249 निकालेंगे, पर यार MK बहुत ही गंदी है। तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ अभी मत आना, सामने से स्मोक करके आओ, पर वो भाई दोनों रश कर देते हैं इतने में। तो भाई हमारे राजू भैया भी MK लेके आते हैं सीधा, और हमारे जिली वाले को मारते हैं इसको। तो ये था गाइज आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ गाइज, वो फनी वाला मोमेंट अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों में फैला दो वीडियो भाई की। और गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय।